फ्रेंड फिर से एक अमेजिंग आइडिया का। तो फ्रेंड जब भी आप लोग कोई बोतल या ग्लास वगैरह यूज करते हो तो अंदर तक हाथ नहीं माने कि पहुंचता है तो धोआता ये सब नहीं है तो बहुत ही बदबू मरता है। खास करके मिनरल वाटर आप जब यूज करो उसमें तो अंदर तक हाथ हिलेगा नहीं। कोई भी बोतल हो है ना तो अंदर तक तो हिलता नहीं, बस ऐसे ऐसे करते हैं लेकिन उससे साफ नहीं होता यार, इसी कारण बीमारी होता है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा जुगाड़ लेके आए हैं जिसे हाथ नहीं पूरा मशीन से वो साफ होगा। जैसे मैं आप देखे ना इंट्रो में कैसे लड़का जबरदस्ती साफ कर रहा था उसको अंगुली में फंस गया था, आप ऐसे गलती मत करेगा। तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और एक तीर से दो निशान है, इससे एक तीर से 10 निशाना लगने वाला क्योंकि इससे बहुत सारा हमारा काम निकल जाएगा घर के और इसके बिना हमारा काम अधूरा रहेगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब किया हो तो शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पाइप ले लेंगे, आप हो सके तो एक सिरिंच होता है ना पतला वाला वो भी ले सकते थे, हमारे पास पाइप था वो ले लिए हैं। और यहाँ से हम भंडारा में से निकालते हैं गियर मोटर, यहाँ पर देख सकते हो कि एक गियर मोटर है और एक ले लेना है मोटा छड़ जो कि बहुत ही टाइट होना चाहिए, पतला भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पर हम अपने कंपास के हेल्प से मदद से इसे हम गोल सर्किल कर कर इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कट करने के बाद बीच में हम ड्रिल किए हैं, क्यों किए हैं सब वीडियो में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट ने बहुत यूजफुल होने यार सब वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वैसा ऐसा आइडिया लेते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज हो, है ना, वैसा ही चीज़ बनाएंगे जैसा कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यूज में आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने गियर मोटर में लगा दिया और यहाँ ग्लू गम की सहायता से हम यहाँ पर चिपका देते हैं पाइप को। तो यहाँ पर चिपकाने के बाद कुछ कट कर लेते हैं, क्यों कट किए तो देखिए यहाँ पर जो हमने रट लगाया इसमें हमने एक छोटा सा पाइप को मान के आगे उनके हीले नहीं इसीलिए आगे पर पीवीसी कटिंग करके उसमें लगा दिया। तो देख सकते हैं इस पर यहाँ किस प्रकार से ये देखिए सुई की तरह चल रहा, सिलाई मशीन होता है ना उसी प्रकार से ये वर्क कर रहा है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि एक क्या है। हाँ इसमें एक ब्रश लेना है, नीमन ब्रश या खराब ब्रश जैसा भी हो, तो हमने नीमन ले लिया है, अपना वाला लेना है दूसरा वाला लेगा तो फिर आ जाएगा। हाँ यहाँ पर सबसे पहले हमें गर्म करके वो आगे वाला छड़ था गर्म करके हमने इसमें डाल लिया है। यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा ये रेडी हो गया है। और यहाँ पर हमारा एक स्विच लगा लेना है ना, हमें एक स्विच लगा लेना है ताकि ऑन ऑफ करने के लिए आसान हो। तो यहाँ पर हमने सब सेटअप कर लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। आप हो सके तो पीवीसी पाइप चारों पर लगा, चलिए चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है वो बन कर रेडी है। तो देख सकते हैं कितना छोटा लेकिन बहुत बड़ा काम है ना, छोटा पैक बड़ा धमाका वाला बात तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये सब है जो सेटअप रेडी है, इसमें हमने 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, यहाँ पर एक स्विच लगाया है, बहुत ही इजीली आप हो सके तो इसे चारों तरफ से पीवीसी पाइप लगा सकते हो। लेकिन हमने लगा कि सब तो सेफ है, यहाँ पर हैंडल एक तरह से है ये धरने के लिए ऐसे ऑन ऑफ, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए किस प्रकार से चलेगा फ्रेंड, ये जो यहाँ पर पुल्ली हमने लगाया है ये देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है और यहाँ पर ये जो ब्रश है ऐसे ऐसे हो रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है ना, क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छड़ हमने ये जो छड़ हमने लगाया थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो इस प्रकार से ये देखिए आगे पीछे हो रहा है ना, और ये हमने बोतल लिए थे जिसमें हमको अंगूरी फंस गया था और इसको आराम से एकदम इस प्रकार से ज़्यादा खाली ऐसे डाल दे रही है और आराम से एकदम मैंने कि साफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं अंगूरी फंसने के इसमें दिक्कत आएगी। तो बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा और ख़ास करके इससे एक और काम कर सकते हो, जब आपको कहीं खुजली वगैरह होता है तो हाथ ही सब नहीं पहुँचता है तो आप ऐसे करके है ना खुजली वगैरह इसे देखिए यहाँ पर है ना, तो खुजली वगैरह आप ये सब आसानी से ये सब मैंने कि जहाँ पर खुजली वगैरह है इसे आसानी से आपको खुजला देगा है ना, चाहे पीठ वगैरह में जब भी होता है इसे मोटर चला के इसे ऐसे पीछे करो ऐसे ऐसे खच खच खच
सब मन की खुजली दूर कर देगा। तो इससे बहुत सारा मन की प्रोजेक्ट काम में लाया जा सकता है। कहीं पर अगर लगाना हो जहाँ मन की पाए पिसम जाम है तो वहाँ पर लगाना, तो नहीं हाथ घुस रहा तो ऐसे इसको मशीन डालिए खस 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 मैंने सब क्लीन कर देगा। तो बहुत ही अच्छा गजट है इसका, आप बनाइए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर स्कूल इस समय देना हो तो इसका भी यूज करिए तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही मेहनत करके आपके ये वीडियो बनाते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मजेदार वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आइडिया के साथ।